आज की जो क्लास रहेगी महिला एवं बाल विकास विभाग के जितने भी क्वेश्चन हैं, विभिन्न क्वेश्चन जितने भी हैं सभी हम लेकर आए हैं। रिवीजन करना स्टार्ट कीजिएगा। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे। जितना हो सके बनते जाएगा, जितना हो सके हम करेंगे। तो आज अंतिम प्रयास, एक साथ रिवाइज करके जाइएगा। लास्ट वीडियो लेकर आए महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजना। स्टार्ट करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। पहली बार आए तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, है ना। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे अंतिम प्रयास के साथ। एक बार लास्ट वीडियो लेकर आए हैं आज आपका पार्ट 10 वीडियो, यानी कि टोटल 10 वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें बाल विकास के महत्वपूर्ण योजनाओं में से अंतिम प्रयास के साथ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य क्या है। तो पहली बालिका के जन्म पर 4,000 रुपये दिया जा रहा है, उसी प्रकार दूसरी बालिका के जन्म पर माताओं को 5,000, तीसरी बालिका के जन्म पर 6,000, चौथी बालिका जन्म पर 12,000। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ऐसे कौन कौन से योजनाएं हैं, तो हम यही लेकर आए हैं वीडियो पर। लास्ट वीडियो रहने वाला है ये, आपका 15 से 20 मिनट का वीडियो रहने वाला है जिसमें अच्छी तरीक़े से पढ़ लीजिएगा, है ना। लास्ट वीडियो है और ऐसी वीडियो और लेकर नहीं आऊँगा, योजनाएं से अंतिम वीडियो है। रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा या देखिए प्लेलिस्ट के माध्यम से संपूर्ण क्लास करा दिए हैं, जाके आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृ योजना कब लागू किया गया है, एक मजर क्या मार्च है वो, एक मार्च 2021। छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना कब लागू की गई है, 13 मई 2021। छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना का उद्देश्य क्या है, तो कोविड से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रति जिला कितनी राशि का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो प्रति जिला, हर जिला में 50 लाख है ना, 50 लाख। छत्तीसगढ़ राज्य में नोनी सुरक्षा योजना कब लागू की है, 1 अप्रैल 2014। जितने भी योजनाएं हैं आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर। पहली बार आए चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब। देखिए इस वीडियो पर अच्छी तरीके से लाइक आना चाहिए, तभी हमको आज मज़ा आएगा। 100+ लाइक आना चाहिए। छत्तीसगढ़ की मितानी तर्ज पर पूरे देश में, हाँ हमको अब लाइक करो करके कहने की ज़रूरत नहीं है, जिनको लाइक करना है कीजिएगा, ठीक है, बार बार मैं नहीं कहूँगा। आशा कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ में बाल भोज योजना का प्रारंभ किस जिले में किया गया है, राजनांदगांव। उसी प्रकार घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006। छत्तीसगढ़ में कामकाजी महिलाओं के लिए दिसंबर 2021 तक कितने कामकाजी महिला हॉस्टल का संचालन हो रहा है, 5। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2019 से मिनी आंगनबाड़ी कार्य भी जो सहायिका है उनको कितने रुपये राशि दिया जा रहा है, 24,000 रुपये, जबकि 2023 में उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2019 में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कुल कितने मानदेय का प्रदान किया गया है, तो 4,500 रुपये, जबकि 2023 में कितना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कितना है 2023 में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कितना रुपये दिया जा रहा है, 6,500 रुपये। छत्तीसगढ़ के किस जिले में दिसंबर 2021 की स्थिति में सबसे कम संचालित आंगनबाड़ी केंद्र है, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में महिला को स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले में कितनी महिलाओं का चयन किया जा रहा है, 10 महिला। बच्चों की संख्या की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है विश्व में, 2। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी है 121.012 करोड़। भारत की कुल आबादी 6 वर्ष कम आय के बच्चों 15.88 करोड़। छत्तीसगढ़ के 2011 के जनगणना के अनुसार आबादी 2.55 करोड़ है, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 35.84 लाख। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 14%। टेक होम राशन के अंतर्गत जो आसन है आपका आहार के लिए रेडी टू ईट फूड
वह नहीं देखिए, महिला सुपरवाइजर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। नवा जतन योजना छत्तीसगढ़ राज्य कब लागू हुआ है? 24 जनवरी 2012। नवा जतन योजना छत्तीसगढ़ शुभंकर का स्थान है कोंडा गांव। मुख्यमंत्री बाल सुंदरबा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य कब लागू किया है? 6 जून 2009। छत्तीसगढ़ में महातारी जतन योजना कोरिया जिले से प्रारंभ हुआ है। सखी वन स्टॉप सेंटर योजना जुलाई 2015 से। सक्षम योजना के अंतर्गत पात्र महिला है आपका विधवा महिला, तलाकशुदा महिला 35 से 45 वर्ष। प्रधानमंत्री मातृ योजना 3 किस्तों में दिया जा रहा है, आपको अभी एक वीडियो में बताया था 3 किस्तों में दिया जा रहा है। महातारी जतन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन वाला है 16.80। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष। छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007 कब से प्रभावशील है? तो 9 जनवरी 2008 से। अब देखिए अधिनियम से जो क्लासेस रहेगी कल से स्टार्ट करेंगे, जितने भी अधिनियम हैं। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 20 जनवरी 2006 से लागू। संरक्षण वाला है यशवंत जैन। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो बच्चे के जन्म के बाद 3 दिन माता के स्थानों से आने वाला पीला गाढ़ा दूध को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। छत्तीसगढ़ की महिला सशक्तिकरण नीति कब लागू हुआ? 2001 में। यौन जतिन रोग क्या है? तो यौन जतिन रोग है इसमें से सभी। 32वां क्वेश्चन है आपका कि 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मृत्यु दर है 113 लाख। बाल विवाह अवरोध अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1930 में। बाल विवाह अवरोध अधिनियम कितने वर्ष कम आयु की लड़की विवाह के? 18 वर्ष। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब है? 1961। छत्तीसगढ़ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 2004 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रतिबंधित क्रिया है लेने और देने पर। मैं इसलिए यह विभिन्न क्लास लेकर आया हूँ जिसमें अंतिम क्लास है, अंतिम समय, अंतिम दौर, अंतिम प्रयास है ना, एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ, लास्ट वीडियो है, ख़त्म करेंगे। जननी सुरक्षा योजना है आपका 2005। अंजलि 27 साल की है, उसे एक दिन की खूनी दस्त, मितानिन उसे क्या सलाह देगी? केवल कोट्रिक की गोली देगी। 9 से 12 महीने की उम्र में शिशुओं को किस विटामिन की खुराक दी जाती है? विटामिन ए। गर्भवती महिलाओं को सामान्यतः कमी हो जाए तो क्या दिया जाएगा? आहरण और कैल्शियम। बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के अनुसार कितने वर्ष के आयु के बच्चों को बाल श्रमिक माना गया है? 14 वर्ष, आप सभी को मालूम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में, सर अगर डिटेल पूछेगा तो 22 जनवरी 2015। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रारंभ 2021 तक विवाहों को धनराशि ब्याह किया जाएगा है 133.07 करोड़। बाल शक्ति पुरस्कार 5 से 18। छत्तीसगढ़ राज्य में 20 नवंबर को स्वीकृत आंगनबाड़ी की संख्या 46,660। छत्तीसगढ़ शासन के महिला विकास के साधी मंत्री 2023 है श्रीमती अनिल भेड़िया, याद रखना। छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास के भार जो साधक मंत्री है 2023 में आपका अनिल भेड़िया है। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह जन्म कहाँ हुआ? बांग्लादेश। महिला सहायता के जनक है, अर्थशास्त्री हैं। तो आयुष्मती योजना अंतर्गत पटवारी प्रमाण पत्र जारी करेगा। आयुष्मती योजना प्रारंभ किया गया है 1/11/2019 यानी कि 1 नवंबर 1991 में है ना। चलिए इसका देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लिए क्या? चलिए देखते हैं, चलिए 55 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंदिरा महिलाओं जिसे छत्तीसगढ़ महिला कोष के नाम से जाना जाता है 2 जनवरी 2002। छत्तीसगढ़ शासन की महिला बाल विकास के संधि सचिव निम्न है, तो इसका जो संसदीय सचिव है डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह। छत्तीसगढ़ में संचित यानी कि संचालित महिला बाल विकास केंद्र प्रवृत्ति योजनाएं हैं, इनमें से सभी नानी निकेतन यानी कि नारी निकेतन संचालन 2020-21 में 122.35 लाख रुपए का बजट। लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट कर चुके ना, ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, चलिए ये क्वेश्चन कर लिए थे ना, टोटल 54 क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास में। 54 क्वेश्चन देखे हैं, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और आप हॉस्टल वार्ड की तैयारी करना चाहते हैं, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर।